नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ओपोक्स ड्रॉप के बारे में। जानेंगे क्या होती है, क्यों दी जाती है, कितने बड़े बच्चे को कितनी दी जाती है, कितने दिन देनी चाहिए, कहाँ ये नहीं काम आती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, ओपोक्स ड्रॉप एक ब्रांड है हेटरो कंपनी का। दोस्तों, इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज मत कीजिएगा। लगभग हर दवा की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है डॉक्टर की पर्ची से। अगर कोई बच्चा न्यू बोर्न है या न्यू बोर्न से लेकर 1 ईयर तक का है, यानी 1 साल से छोटा बच्चा है, वहां दी जाती है। दोस्तों, इसके अंदर आता है सेफ्रोडोक्सिन 25 mg में, साथ में 1 ml का ड्रॉपर भी आता है। ड्रॉपर की सहायता से ये बच्चे को बूंद बूंद करके देनी पड़ती है। तो सेफ्रोडोक्सिन की अगर बात करें तो ये सोल्ट नाम है। ये थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक होता है। जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पीने की आती है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल है बच्चे के फ्लू है, वहां ये काम नहीं करती, वहां नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों नमूनिया बनना है बच्चे के चेस्ट में कफ है, लंग्स का इन्फेक्शन, बच्चे सूखी खांसी आ रही बच्चे को, ठीक है, बुखार है बच्चे की, तो वहां पर डॉक्टर दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण अगर है तो। या दोस्तों बच्चे के कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, या कोई आंत के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, कुछ खाया पिया नहीं पच रहा, दस्त लग रहे हैं बच्चे को, तो दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन है तो। या दोस्तों कोई बच्चे के स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी दे सकते, गले का इन्फेक्शन है, आंख से पानी आ रहा है, कोई कान में इन्फेक्शन है, तो दी जाती है। जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दी जाएगी। बात करते हैं भाई इसकी डोज क्या होती है। तो देखिए, डोज जो होती है, बच्चे का बॉडी वेट लिया जाता है, उसके हिसाब से डॉक्टर बता देते हैं। 1 ml का ड्रॉप पर दिन में 2 बार भी हो सकता है, आधा 2 बार हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर। बात करें इसके मॉडुलेशन के बारे में, काम किस तरह से करती है। तो देखिए, ये एंटीबायोटिक आती है, बैक्टीरिया किलर होती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है। कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बैक्टीरिया की खुराक बनती है, तो वहां पर उनको ब्लॉक कर देती है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार देखने को मिलते हैं कि बच्चे के दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग कर सकता है बच्चा, कोई स्किन एलर्जी या स्किन रेशेस पड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, घबराने की बात नहीं। सावधानियां है, डॉक्टर की सलाह से देना है, सेल्फ नहीं करना है। 2-3 दिन हो जाए, देने के बाद बच्चे को आराम नहीं मिले, तो इस पर डिपेंड नहीं रहना है, एक बार फिर से डॉक्टर को जरूर बताइएगा। मिलते हैं।